तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सेरफिम ट्रंक्स के साथ आखिर क्या हो रहा है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि ट्रंक्स के हाथ में से अचानक से ही एनर्जी निकलने लग जाती है और ये देख के ट्रंक्स हैरान होता है। वो बोलता है, मेरी एनर्जी। पर ट्रंक्स के पीछे बैठा हुआ गोकू एकदम से ही ट्रंक्स में आए हुए बदलाव को नोटिस कर लेता है और बोलता है, ट्रंक्स क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है। ट्रंक्स पीछे गोकू की तरफ देखता है और वो गोकू को परेशान नहीं करना चाहता। वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ गोकू, लगता है मुझे मेरी बॉडी को फिर से पावर अप करने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा, मैं काफ़ी लंबे समय बाद किसी चैलेंज का सामना कर रहा हूँ। ट्रंक्स एकदम से अपने हाथ में मुट्ठी बनाता है ताकि वो अपनी एनर्जी की फ्लो को रोक सके। वो बोलता है, चलो अब अपनी बात पूरी करते हैं, मैंने तुम्हारी ताकतों को टेस्ट कर लिया है और मैं उससे खुश हूँ, अब तुम्हारी बारी है। तुमने ये कहा था ना कि तुम ये जानना चाहते हो कि मेरी टाइमलाइन में क्या हुआ था। ये देख के कि ट्रंक्स अपने बारे में बताने जा रहा है, गोकू एकदम से ही एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, हाँ तुम्हें मुझे बताना होगा कि गलती कहाँ पर हुई थी और कैसे। पिछली बारी जब एक ट्रंक्स हमारे को चेतावनी देने आया था तो हम सभी को बचाने में कामयाब हो गए थे, तो मुझे विश्वास है कि तुम जो भी कहने जा रहे हो उससे हमारी काफ़ी मदद होगी। सच में तुम जो भी बता सकते हो वो बताओ। ट्रंक्स इसके बाद अपने हाथों को फोल्ड करता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। हमारी आखिरी फाइट जो कि डाई और जैनो के खिलाफ थी, उसमें जैसा कि तुम लोगों के साथ हुआ था वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था और लूसिफ आज़ाद हो गया था। सारे गॉड्स खत्म हो चुके थे और धरती वापस आ चुकी थी, पर अब हर चीज़ चलाने वाला एक डेविल था। और मेरे लिए बुरी बात यह है कि जब उसने पूरे यूनिवर्स में डीमंस को छोड़ दिया तो धरती पर उस वक्त सिर्फ मेरे पिता थे। इस यूनिवर्स की तरह वहाँ पर सभी जी वॉरियर्स नहीं थे ताकि वो सभी को डिफेंड कर सकें। मेरे पिता जो कि एक सुपर सैयन 2 थे, वो अपनी हर कोशिश कर रहे थे ताकि वो मेरी माँ को डीमंस से बचा सकें। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, मैं जानता हूँ कि उन्होंने करी होगी, पर जब तक मेरी लूसिफ के खिलाफ लड़ाई ख़त्म हुई और मैं धरती पर वापस लौटा तब तक वो जा चुके थे। मैंने अपने माता और पिता को फिर से खो दिया दूसरी बार। शायद मेरी किस्मत वेजिटो के मुकाबले अच्छी थी क्योंकि मुझे उसकी तरह डीमन रेल में नहीं फेंका गया, पर शायद कुछ और यूनिवर्सेस में वो ही मेरे लिए सबसे बेहतर रहता। ट्रंक्स की कहानी सुन के गोकू एकदम से ही निराश होता है और बोलता है, ट्रंक्स नहीं, मुझे ये सुन के काफ़ी बुरा लग रहा है। ट्रंक्स, सच में लगता है कि तुम्हारी किस्मत सच में ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, चाहे तुम किसी भी यूनिवर्स में क्यों ना हो। मुझे बताओ कि उसके बाद क्या हुआ। मैं जानता हूँ कि धरती को खो देना ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा होगा, पर फिर भी तुम बाकी बचे हुए प्लैनेट्स की रक्षा कर सकते थे। ट्रंक्स बोलता है, बिल्कुल सही, मेरे पास दुख मनाने का समय बिल्कुल भी नहीं था। मेरे पास समय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम था। मैं पूरे यूनिवर्स में लगातार दौड़ रहा था ताकि मैं डीमन एम्परर्स और डीमन किंग्स को हरा सकूं और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन सेरफिम के साथ। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था, मैं सभी को आराम से संभाल सकता था, पर ये सब करने से सिर्फ मेरा समय बर्बाद हुआ। भले ही मैं कितनी भी तेज़ी से काम कर रहा था पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं सभी प्लैनेट्स को अकेले कभी बचा ही नहीं सकता था, तो दूसरे यूनिवर्सेस को बचा पाने की बात तो अलग है। इसके बाद आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, डीमन रेल्म और मॉर्टल रेल्म दोनों मर्ज कर दिए गए, जिसके बाद लूसिफ ने एक बारी फिर से वापसी करी और उसी के साथ मेरी कहानी का अंत भी हो गया। गोकू बोलता है, नहीं, काश मैं वहाँ पर होता तुम्हारी मदद करने के लिए। ट्रंक्स गोकू की नज़रों में नज़रें मिला के बोल रहा होता है। वो बोलता है कि तुम वहाँ पर होते, चाहे फादर भी वहाँ पर होते और चाहे वेजिटो भी वहाँ पर होता, सभी के वहाँ पर होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता गोकू। शायद अगर हम उससे पहले मर्जर को रोक पाते तो कुछ हो भी पाता, पर एक बारी मर्जर होने के बाद किसी के होने ना होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। ये सुन के गोकू काफ़ी हैरान होता है और बोलता है, मैं, वेजिटा और यहाँ तक कि वेजिटो भी, हमारे वहाँ पर होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे तुम्हारा क्या मतलब है ट्रंक्स। इसके बाद हम ट्रंक्स के एक फ्लैशबैक में जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रीन सेरफिम ट्रंक्स लूसिफ पर अटैक कर रहा होता है, पर यह बात क्लियर होती है कि लूसिफ को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ट्रंक्स इसके बाद बोलता है, गोकू मेरा मतलब ये है कि जब एक बारी मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म मर्ज हो गए और उसके बाद जो लूसिफ वापस आया वो उस लूसिफ की तरह बिल्कुल भी नहीं था जिसे हमने पहले देखा था। मैं तो उसे वो पहले वाला मॉन्स्टर कह ही नहीं सकता था, उसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वो बिल्कुल मजाक जैसा लग रहा था। मैं लगातार एक के बाद ग्रीन सेरफिम फॉर्म में उस पर अटैक कर रहा था, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, पर वो अपनी जगह पे खड़ा था और मुझे अटैक करने दे रहा था। मेरे सारे अटैक्स बेकार थे,
मुझे उसके चेहरे पे वो हंसी आज भी याद है। वो मुझे लगातार उस पर अटैक करता हुआ देख के हंस रहा था, यहाँ तक कि मेरा गॉड स्लेयर ब्लेड भी उस पर काम नहीं कर रहा था। वो लगातार ऐसे हंस रहा था जैसे कि मैं उसे गुदगुदी कर रहा हूँ। आखिरकार मैंने अपनी सारी बची हुई एनर्जी को एक ही ब्लास्ट में लगा के शूट कर दिया। वो ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि वो एक पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता था अगर मैं चाहता तो, पर इसके बावजूद कि उसको चारों तरफ से इतनी खतरनाक एनर्जी ने घेरा हुआ था, वो एनर्जी लगातार उसे तबाह करने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे ही स्मोक ख़त्म हुआ तो पता चला कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, वो अपनी उसी जगह पे खड़ा हुआ था। वो मुझे इस तरीके से देख रहा था जैसे कि वो किसी सोना से बाहर आ रहा हो। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं हमारी पिछली लड़ाई के मुकाबले काफ़ी ताकतवर हो गया था, पर अब हमारी ताकतों में इतना ज़्यादा गैप हो गया था कि उन्हें नापा भी नहीं जा सकता। और इससे पहले कि मुझे कुछ और पता चलता, इतनी ज़्यादा स्पीड में कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, लूसिफ का हाथ मेरे शरीर के आर पार निकल गया। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ था कि मुझे दर्द भी महसूस नहीं हुआ। मैंने बस ये देखा कि मेरे शरीर में से बहुत तेज़ी से खून बाहर निकल रहा है, और दूसरी चीज़ बस ये थी कि मैं अपने पीछे उसे हंसता हुआ सुन सकता था। इसके बाद उसने अपने हाथ को मेरे शरीर के अंदर से बाहर निकाला, इस तरीके से जैसे कि मैं उसके लिए कोई चैलेंज ही नहीं था। वो मुझ पर अपना आखिरी अटैक करने ही वाला था। तभी मैंने अपने हाथ में बची हुई आखिरी टाइम रिंग का इस्तेमाल किया। मैंने अपने अंदर सारी बची हुई एनर्जी और विल पावर का इस्तेमाल किया। जैसे ही मेरी बॉडी ज़मीन पर गिर रही थी, मैंने अपने बराबर में एकदम से ही एक टाइम पोर्टल खोल दिया। उस टाइम पोर्टल ने मुझे सिर्फ एक पल में ही अपने अंदर खींच लिया, बिल्कुल लूसिफ की आंखों के सामने। उसने कभी भी अपनी आंखों के सामने टाइम रिंग का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा था, इसी वजह से वो बिल्कुल चौंक गया था। लूसिफ वहाँ पीछे बस चीखता चिल्लाता रह गया। भले ही उसने मेरी टाइमलाइन को जीत लिया हो, पर फिर भी वो मुझे नहीं जीत पाया था। ट्रंक्स, तुम डरपोक। और ट्रंक्स की कहानी खत्म होने के बाद हम फिर से ट्रंक्स और गोकू के पास आते हैं। ट्रंक्स इसके बाद अपनी टाइम रिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तो मेरी टाइमलाइन में ये सब कुछ हुआ था गोकू। मैंने अपनी टाइम रिंग का इस्तेमाल किया ताकि मैं मौत से बच सकूं, और ताकि लूसिफ ने जो मुझे नुकसान पहुंचाया था मैं उससे पूरी तरीके से हील हो सकूं। वो इस तरीके का डैमेज था जिससे कि कोई आम भूखी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर कर ही नहीं सकती है। और इसी के साथ मैंने एक ज़िंदगी का भी इस्तेमाल कर लिया जो कि ये टाइम रिंग मुझे दे रही थी। इसमें अब सिर्फ एक ज़िंदगी बची है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे टाइमलाइन के लूसिफ के खिलाफ वो इस्तेमाल हो सके। ट्रंक्स की पूरी बात सुनने के बाद गोकू बोलता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम अपनी टाइमलाइन में इन्वेजन को रोक नहीं पाए थे, और लूसिफ वहाँ पर दोनों रैम्स को मर्ज करने में कामयाब हो गया, जिसके बाद वो एक ओमनी डेविल बन गया जिसके बारे में मैंने सुना है। शायद फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं और वेजिटा अपनी मल्टीफॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हम पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। हम ज़्यादातर इस यूनिवर्स को पूरी तरीके से बचाने में कामयाब हो गए हैं। यही नहीं, तुम्हारी माँ ने काफ़ी सारी टीम्स भी बनाई हैं जो कि हमारी मदद कर रही हैं। ट्रंक्स एकदम से अपने हाथ में एक मुट्ठी बनाता है और बोलता है, मल्टीफॉर्म्स। अच्छा, तो उस तरीके से तुम अपनी ताकत को एकदम से ही बढ़ाने में कामयाब हुए थे। बुरी बात यह है कि मैं इस तरीके की कोई भी टेक्निक को नहीं जानता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं अपने टाइमलाइन के टीएन से कभी मिल नहीं पाया था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा होता। जैसा कि मैंने कहा, गोकू जैसे ही लूसिफ वापस आया था तो ये लड़ाई वहीं पर ख़त्म हो गई थी। गोकू ये सुन के थोड़ा बहुत परेशान दिखने लग जाता है। वो बोलता है, लूसिफ तो वो इतना ताकतवर है, कामे सही थे, शुरुआत से उसका यही प्लान था, दोनों रैलम को मर्ज करके अल्टीमेट पावर पाना ताकि वो इतनी ताकत पा सके कि वो हायर गॉड्स को चैलेंज कर सके। सच में क्या पागल है, मैंने किसी को भी आज तक ताकत के लिए इतना पागल होते हुए नहीं देखा है, सिवाय वे। इससे पहले कि गोकू अपनी बात को पूरा कर पाए, एकदम से ही ट्रंक्स किसी बात को सुन के चौंकता है। एकदम से ही ट्रंक्स बोलता है, हायर गॉड्स। तभी गोकू को याद आता है कि वेजिटो और ट्रंक्स कितने ज़्यादा सिमिलर है। वो एकदम से ही अपनी बात को बदलता है। वो बोलता है, भूल जाओ जो मैंने बोला, अभी हमें लूसिफ पर फोकस करना चाहिए, हमारे पास अभी अपनी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। गोकू इसके बाद सीरियस होकर बोलता है, तो अब क्या करना है ट्रंक्स, हमें लूसिफ को कैसे रोकना है और हम हिस्ट्री को रिपीट होने से कैसे रोक सकते हैं, तुम्हारा क्या प्लान है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स अपना हाथ उठाता है और अपने साइड में हाथ करके एकदम से ही एक टाइम पोर्टल खोलता है। ट्रंक्स बोलता है कि अब हमें जाकर फादर को ढूंढना होगा। जितना मैंने देखा है गोकू, हर प्लैनेट को बचाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ज़्यादातर प्लैनेट्स को बचाना है। हमें यूनिवर्स के ज़्यादातर प्लैनेट्स पे आत्माओं को इकट्ठा किया जाने से रोकना है, और इतना काफ़ी होना चाहिए उसके प्लान में रुकावट डालने के लिए, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल के मर्जर को सिर्फ तभी कर सकता है जब उसके पास उतनी ताकत हो। मुझे याद है कि वो मेरी टाइमलाइन में सिर्फ तब शुरू हो पाया था जब यूनिवर्स 7 के 75% हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया गया था। तुमने अभी मुझे बताया कि मेरी माँ ने काफ़ी सारे लोगों को भेजा है ताकि वो यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके उनकी रक्षा कर सके, तो अभी के लिए हमें बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। गोकू बोलता है, बिल्कुल सही, मैं सोच ही रहा था कि ये समय कब आएगा। गोकू के चेहरे पे एकदम से एक स्माइल आती है।
वो बोलता है कि बस अपने फादर को ये मत बताना कि मेरे पास अब ये ग्रीन आइज आ चुकी हैं, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ट्रंक्स टाइम पोर्टल के थ्रू वहाँ से निकल जाते हैं। गोकू और ट्रंक्स इस वक्त वेजिटा के पास जा रहे हैं। वहाँ पर जाने के बाद आखिर क्या होगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।